हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो मैं डॉक्टर अनुज गोस्वामी आपका अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मलद्वार के अंदर जितनी बीमारियां हैं या इससे जितने भी लक्षण होते हैं उन सबका समय समय पर हम आपके सामने लेके आते रहते हैं। और हमारी कोशिश ये होती है फ्रेंड्स कि मलद्वार के रोग को लेकर समाज के अंदर जितनी भ्रांतियां फैली हुई हैं वो पूर्ण रूप से खत्म हो सके। फ्रेंड्स, आज जो मेरा वीडियो बनाने का मकसद है वो ये है कि बहुत सारे पेशेंट्स हमको कमेंट करते हैं कि सर, क्षार सुत्रा चिकित्सा में टाइम कितना लगेगा, कितना समय लगेगा सर, मेरे को सर बवासीर है, या सर मेरे को थ्रोम्बोस पाइलमास है, या सर मेरे को भगंदर है, या सर मेरे को फिशर है, सर कितना टाइम लगेगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको आज केवल ये बताने जा रहा हूं कि मलद्वार की जितनी बीमारियां हैं सबके समय क्षार सुत्रा में अलग अलग होते हैं और वो किस आधार पर कितना कितना समय लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपनी वीडियो। अगर आपको बवासीर का कोई मस्सा है, इंट्रो एक्सल पाइलमास है और अगर उसका क्षार सुत्रा हुआ है तो केवल 8 से 9 दिन के अंदर अंदर आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। ड्यूटी अपनी 8 से 10 दिन के बाद अपनी ज्वाइन कर सकते हो। ड्यूटी ज्वाइन करने को तो आप सेकंड डे से भी कर सकते हो, लेकिन हल्का सा ब्लीडिंग का होने का खतरा होता है पाइल मास के लाइगेशन में, तो इसलिए 5 से 7 दिन का बेड रेस्ट या घर के अंदर ही पेशेंट को स्टे करा देते हैं। 8 से 10 दिन के बाद आपका फाइनल हो जाता है, जो आपका घाव रहता है वो 1 से 1.5 महीने में कंप्लीटली खत्म हो जाता है। ये तो की इंट्रो एक्सटर्नल पाइल मास, जो एक्सटर्नल पाइल मास होते हैं उनकी बात। अगर आपको क्रोनिक फिशर है या मलद्वार का पुराना घाव है, ऐसा घाव जो कभी नहीं भरता, किसी भी तरह की दवाई से नहीं भरता, और अगर उसका क्षार सुत्रा होगा तो उसके अंदर 30 से 40 दिन का टाइम लगता है। जो घाव बाद में बनता है क्षार सुत्रा के बाद वो 1 से 1.5 महीने के अंदर भर जाता है। अगर आपको भगंदर है तो भगंदर की कंडीशन के ऊपर उसका समय निर्भर करता है कि आपका भगंदर रहता है। सिंपल फिस्टुला 1 से 1.5 महीने निकल जाते हैं, कॉम्प्लेक्स फिस्टुला 3 से 4 महीने कभी लेते हैं, और टिपिकल फिस्टुला जो होते हैं कभी कभी 6 महीने भी ले लेते हैं। की चिकित्सा उसकी कंडीशन पर डिपेंड करती है, तो उसकी चिकित्सा 1.5 से 2 महीने के अंदर क्षार सुत्रा हो जाती है। आज जो वीडियो थी उसके मैंने आपको बताया कि किस बीमारी के अंदर कितना कितना समय लगता है। तो फ्रेंड्स, आज तो हमारे में है। अगर आपको हमारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, किसी भी तरह की आपकी क्वेरी हो। जय भारत।